नमस्ते दर्शकों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस जिसमें सारी कंट्रीज भागेंगी नेशनलिज्म के लिए तो चलो जाके देखते हैं कौन बनाएगा सबसे पहले एक नेशन स्टेट चलो तो जाके मिलते हैं अपने सारे रेस के कैंडिडेट से हाय तो, फ्रांस है पे चलो हाँ मेरी जान। फ्रांस लव जितने मैं आपसे बाद में बात करती हूँ वैस संबती टू बॉदरमी या बुनजो हाँ आपके क्या विचार हैं इस रेस से रिलेटेड क्या आप तैयार हो इस रेस के लिए एक्चुअली मुझे रेस वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता ऑल आई केयर अबाउट इज माइक्रोसो प्लस मेरा मेनी क्योर और पेडी क्योर खराब हो जाएगा सो आई रियलीयर अच्छा तो अभी हमने सुना कि फ्रांस के क्या विचार हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट से बात करते हैं स्विट्जरलैंड सर

दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं रेस खत्म हो गई है यूएसए रेस जीत चुकी है और स्विट्जरलैंड ने भी बहुत बढ़िया करा इस रेस में फ्रांस और जर्मनी अब भी ही रहे हैं पर खैर ये तो इनका नेशन सेट का कॉन्सेप्ट था आप लोग अगर नेशनलिज्म को और अच्छे से समझना चाहते हो तो चलो हम चलते हैं अपनी क्लास में हाँ तो रेस देख ली होगी सबने एंड उस रेस में क्या हुआ यूएसए और स्विट्जरलैंड बहुत आराम से जीत गए और फ्रांस और जर्मनी भाग तो रहे थे पर धीरे धीरे अभी में भी आपको उस रेस का मतलब उतने अच्छे से समझ ना आया हो पर टेंशन मतलब जैसे जैसे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आपको पूरी रेस समझ में आ जाएगी तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत ही अवेटेड लेक्चर काफी टाइम से आप लोग कह रहे थे कि दीदी दी हिस्ट्री स्टार्ट कर दो तो मैंने सुन लिया ठीक है तो आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे जल्दी से क्लास को लाइक कर दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर तो ये जो चैप्टर है चैप्टर के नाम में ही एक वर्ड आ रहा है नेशनलिज्म है ना तो सबसे पहले हमें ये वर्ड समझ लेना चाहिए कि होता क्या है नेशनलिज्म ठीक है एंड इसे अच्छे से समझ लेना ये हमारे चैप्टर टू में भी ये शब्द काम आएगा ठीक है चलो तो वॉट इज नेशनलिज्म होता क्या है नेशनलिज्म तो अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बताऊं तो नेशनलिज्म इज फीलिंग ऑफ लव एंड डिवोशन फॉर आर कंट्री जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो जब भी हम नेशनल एंथम सुनते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है ना हमें हमेशा ऐसा लगता है ना कि इंडिया की तरक्की होना चाहिए है ना इंडिया का डेवलपमेंट होना चाहिए तो ये जो फीलिंग है इसे हम नेशनलिज्म कहते हैं अ फीलिंग ऑफ लव एंड डिवोशन फॉर कंट्री ठीक है तो इस चैप्टर में हम यूरोप के कंटेक्ट में पढ़ेंगे नेशनलिज्म को इंडिया के बारे में हम कुछ भी इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे वो हमारे हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स में आएगा इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में कैसे और क्यों डेवलप हुई ठीक है हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है एक पेंटिंग से अब समझोगे तुम लोग उस रेस को ठीक है तो ये इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये पेंटिंग 1848 में फेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई थी ही प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स चार प्रिंट्स की सीरीज बनाई उन्होंने एंड वो अपने ड्रीम को विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे थे इस पेंटिंग के थ्रू ठीक है तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक ये थीम था उनके इस पेंटिंग का तो ये जो पेंटिंग है आप बच्चों के बुक्स में भी दे, दे रखा है तो वहां पे आप और अच्छे से देख सकते हो इस पेंटिंग में क्या चल रहा है यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ठीक है तो ये लिबर्टी फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रही है एंड सारे कंट्री के लोग एक एक करके उनके सामने से ऐसे चलते हुए जा रहे हैं तो पेंटिंग का मतलब यह है कि सारी कंट्रीज धीरे धीरे लिबरलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है ठीके? लिबर्टी की तरफ और स्विट्जरलैंड एकदम आगे है लाइन में क्यों क्योंकि इन लोगों ने अपना स्ट्रगल पहले ही कर लिया था सबसे पहले यूरोप में इन लोगों ने अपना स्ट्रगल कर लिया था और प्रॉपर अपना नेशन और कंट्री बना लिया था पर उस टाइम पे यूरोप के जो बाकी कंट्रीज थे जैसे फ्रांस हो गया आ, अपना जर्मनी हो गया इटली इन सब के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट था ठीक है तो ये लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे नेशन की तरफ लिबर्टी की तरफ तो फ्रांस तो एकदम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के थोड़ा सा आगे भी निकल चुका है क्योंकि फ्रांस का हमें पता है इन लोगों ने एकदम मस्त तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन कर लिया था जर्मनी पीछे पीछे अभी धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है ठीक है एंड उसके पीछे बाकी फिर एक एक करके सारे कंट्रीज का फ्लैग है ओके okay? अगर आप इस पेंटिंग को और ध्यान से देखो देखो तो इसमें सारे एज ग्रुप के के हर टाइप लोग आपको दिख जाएंगे इस पेंटिंग में पे एक छोटा सा बच्चा भी है एंड अगर आप इस पेंटिंग में नीचे जमीन की तरफ देखो ना तो जो एरिस्टोक्रेसी के सिंबल्स हैं जैसे क्राउन हो गया राजा से रिलेटेड जो भी सिंबल्स हैं उनको तोड़ के इन्होंने जमीन पे फेंक रखा मतलब अब हमें वो सिस्टम नहीं चाहिए ठीक है इनफेक्ट जब ये पेंटिंग बनी थी ना तब जर्मनी एज अ कंट्री फॉर्म भी नहीं हुई थी ठीक है अब जर्मनी एज अ कंट्री फॉर्म नहीं हुई थी का क्या मतलब है उस टाइम पे ना राज्य हुआ करते थे किंगडम्स हुआ करते थे तो ये कंट्री बनी नहीं थी पर ये धीरे धीरे अपने सिस्टम को बदलने की तरफ बढ़ रहे थे ठीक है चलो अब हम थोड़ा ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पे गॉड है और एंजल्स है, है ना यहाँ पे क्राइस्ट का सिंबल है तो इसका क्या मतलब है कि हेवन के जो सारे लोग हैं वो इस इवेंट को देख रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं और ये फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं ठीक है कि हम सारे लोग एक बहुत बड़ी फैमिली की तरह है फ्रेटर्निटी को ये सिंबलाइज कर रहे हैं ठीक है तो ये इस पूरे पेंटिंग का मतलब है अब आपको समझ आया कि हमारी रेस में यूएसए और स्विट्जरलैंड सबसे तेज क्यों भाग गए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले नेशन बना लिया था और फ्रांस और जर्मनी धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे ठीक है रेस उन्हें भी खत्म करनी है पर हाँ वो भी धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे ठीक है चलो तो ये फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है ठीक है हमने ये भी देखा कि जमीन पे क्या थे एप्सोलूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के शैटर्ड रिमेन्स थे जो मैंने आपको समझाया कि मोनार्क राजा के जो भी सिंबल्स थे उनको तोड़ के जमीन पे ऐसे बिखरा रखा था तो एप्सोल्यूटिस्ट का मतलब आपको बुक में ऐसे समझा रखा है बहुत आसान शब्दों में कहूं तो मोनार्क का जो सिस्टम होता है राजा रानी का जो सिस्टम सिस्टम होता है है उसे कहा जाता नेक्स्ट यूटोपियन वर्ल्ड का मतलब आपको बता रखा है ये क्या होता है अ अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट तो यूटोपियन सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी परफेक्ट हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो यूटोपियन मतलब कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इतना परफेक्ट हो कि उसके होने के चांसेस ही बहुत कम है ठीक है तो ये कुछ वर्ड्स बीच बीच में आते रहते हैं हमारे चैप्टर में तो हमें पता होना चाहिए याद रखना अगेन कि यूएसए और स्विट्जरलैंड सबसे आगे चले गए थे क्योंकि उन्होंने सबसे पहले नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बना लिया था ठीक है जर्मनी फ्रांस ये सब पीछे पीछे चल रहे थे ठीक है तो अब मैं आपको थोड़ा और बताती हूँ नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के बारे में ठीक है क्या होता है ये नेशन स्टेट तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया उस टाइम पे ना राज्य किंगडम हुआ करते थे है ना तो लोगों की लॉयल्टी किसी कंट्री के लिए नहीं होती थी ठीक है जैसे हमारी लॉयल्टी किसके तरफ है इंडिया एज अ कंट्री के तरफ है पर अगर हम किसी किंगडम में रह रहे होते ठीक है अगर कोई राजा हमें संभाल रहा होता

धीरे धीरे लोगों को यह एहसास हुआ कि हमें राजा रानी का सिस्टम नहीं चाहिए हमें क्या करना है हमें किंगडम का कॉन्सेप्ट हटा के नेशन बनाना है एक कंट्री बनानी है ठीक है तो हम लोग एज अ किंगडम इधर-उधर बिखरे हुए हैं। इन सारे बिखरे हुए किंगडम्स को यूनाइट करके एक नेशन बनाते हैं ये लोगों के दिमाग में आने लग जाता है ठीक है इन दिस चैप्टर वी विल डील विथ मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज बाय सोरियो तो इन आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग में जो विजुअलाइज करने की कोशिश करी उनमें से काफी सारे इश्यूज को हम लोग इस चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे ठीक है? तो हम समझेंगे कि कैसे द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट ठीक है मॉडर्न स्टेट में जो कॉन्सेप्ट होते हैं ठीक है ये सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे ओवर टाइम यूरोप में फॉलो होने लगे ठीक है चलो तो नेशन स्टेट क्या होता है ये तो मैंने आपको समझा ही दिया ठीक है पर ये इतना आसान नहीं था जैसे मैंने आपको कहा ना कि राज्य को हटाना है और एक नेशन बनाना है सुनने में बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है ना इजी सा लग रहा है पर ये इतना आसान नहीं था इंडिया के लिए भी आसान नहीं था पर खैर इंडिया के बारे में हम थोड़ा कम बात करेंगे इस चैप्टर में यूरोप हमारा स्टार है इस चैप्टर में ठीक है तो यूरोप के लिए भी ये आसान नहीं था ठीक है इन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग मूवमेंट करे कॉमन पीपल ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा एंड फिर धीरे धीरे ओवर टाइम नेशन ये लोग बनाते हैं ठीक है है चलो तो एक टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है, अब हम थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में पढ़ रखा है है ना थोड़ा बहुत याद होगा अगर नहीं भी याद तो टेंशन मत लो मैं अभी आपको रिवाइज करा दूंगी ठीक है वैसे भी आपके सिलेबस का पार्ट है ठीक है तो अगर वैसे क्लास नाइन्थ के बच्चे कोई भी देख रहे हैं इस वीडियो को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तो फ्रेंच रेवल्यूशन अच्छे से पढ़ लेना आगे काम आता है टेंथ में ठीक है चलो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन ठीक है फ्रेंच रेवल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली बार नेशनलिज्म का क्लियर एक्सप्रेशन फ्रांस में स्टार्ट होता है जब ये लोग 1789 में करते हैं फ्रेंच रेवल्यूशन इनको एहसास हो जाता है कि इनका राजा लुई सिक्सटीन उस टाइम पे जो थे वो अच्छा राजा नहीं है एंड हमें राजा को हटा के अपना सिस्टम बदलना है तो सबसे पहली बार फ्रांस के लोगों के अंदर ये हिम्मत आती है ठीक है 1789 की बात है ये अपने रेवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेड टू ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम मोनाक टू फ्रेंच सिटीजन ठीक है इन लोगों ने कहा कि हमें संविधान चाहिए फ्रांस के लोगों ने कहा कि हमें पॉलिटिकल सेटअप बदलना है हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें पावर मोनार्क से मतलब राजा से सिटीजन के हाथ में आ जाए रेवोल्यूशन पीपल हु नेशन इस रेवोल्यूशन में इन लोगों ने कहा कि आज से राजा की पावर नहीं चलेगी लोगों की पावर इट वॉज द पीपल ठीक है मतलब जनता की पावर आज से चलेगी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एकदम शुरुआत से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया जिसके थ्रू फ्रांस के लोगों को यूनाइटेड फील होता था जैसे कि ये लोग बात करते थे आइडियाज़ की जैसे कि ला पैट्री ठीक है अब ये फ्रेंच वर्ड है ठीक है मुझे पता नहीं उसे एक्जैक्टली exactly कैसे बोलना पर स्पेलिंग देख लेना ठीक है तो आइडियाज ऑफ ला पैट्री स्टार्ट करा इन्होंने इसका मतलब है द फादरलैंड जैसे हम आ, भारत माता कहते हैं ना हम अपने आ, इंडिया को भारत माता की तरह विजुअलाइज करते हैं तो उन्होंने एक फादरलैंड का कॉन्सेप्ट दिया ठीक है एंड फिर ले सितोयन ठीक है मतलब सिटीजन तो इन्होंने अपने कंट्री में सिटीजन को भी इंपॉर्टेंस दी तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट के थ्रू इन लोगों ने यूनिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करी इन्होंने एस्टेट जनरल बनाया ठीक है स्टेट जनरल में इलेक्शन कराया जाता था फिर लोगों को चुना जाता था बाद में स्टेट जनरल को रीनेम करके नेशनल असेंबली रख दिया जाता है ठीक है नेशनल असेंबली को रीनेम करते हैं ये लोग नए नए पोएम्स ठीक है देशभक्ति से रिलेटेड पोएम्स को कंपोज करते हैं ठीक है ओथ्स लेते हैं ठीक है जो मार्टियर्स थे मतलब ऐसे लोग जिनकी वॉर में लड़ते लड़ते डेथ हो गई उनकी डेथ को मतलब विक्टोरियस तरीके से सेलिब्रेट करा जाता था सबको बताया जाता था कि देखो ये हमारे कंट्री के हीरोज हैं ठीक है तो ये सारी चीजें ये लोग करना स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट ये लोग क्या करते हैं एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लगाते हैं ठीक है मतलब अब राजा को हटाने के बाद ये अपने सिस्टम को मैनेजमेंट के सिस्टम को और बेटर कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म लॉज लेके आते हैं सारे सिटीजन के लिए मतलब फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे रहते हो रिच हो पुअर हो क्या हो जब तक आप फ्रांस के सिटीजन हो आपको सेम लॉस को मानना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड ठीक है इससे पहले क्या होता था फ्रांस में फ्रांस में अगर स्टेट्स में ही आपस में ट्रेड करना हो तो ये लोग बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे एक दूसरे के ऊपर पर अब तो राजा हट गए तो इन लोगों ने क्या कहा कि हम इंटरनल इंटरनली टैक्स लगाना ठीक है ड्यूज कलेक्ट करना ये सब बंद कर रहे हैं ये लोग यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लेके आते हैं अगेन फ्रांस में क्या होता था अलग-अलग एरिया -अलग में लोग अलग-अलग यूनिट -अलग से मेजरमेंट करते थे ठीक है जैसे अगर हम इंडिया के एग्जांपल के थ्रू समझें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं आपसे कहूं कि हरियाणा में 1 किलोमीटर का मतलब होता है इतना मतलब इतना डिस्टेंस और पंजाब में वन किलोमीटर का मतलब हो जाएगा इतना ठीक तो है तो, अगर मैं में जाके बोलूं, तो उसका कुछ और मतलब मैं पंजाब में जाके वन किलोमीटर बोलूं तो उसका कुछ और मतलब होगा है ना तो फ्रांस में ऐसा था इनका मेजरमेंट का सिस्टम हर जगह अलग अलग था तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट लेके आएंगे नेक्स्ट इन्होंने कहा कि रीजनल डायलेक्ट्स को हम डिस्करेज कर रहे हैं रीजनल डायलेक्ट मतलब रीजन टू रीजन अलग अलग जगह में लोगों का फ्रांस बोलने का फ्रेंच बोलने का जो एक्सेंट था जो डायलेक्ट था वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता था थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही चेंज होता रहता था तो ये चाहते थे कि एक कॉमन लैंग्वेज बने पूरे फ्रांस के लिए तो इन्होंने कहा कि हम लोग फ्रेंच यूनिफॉर्म तरीके से पूरे फ्रांस में फैलाएंगे ठीक है ऐसा नहीं कि अलग अलग एरिया में लोग अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं तो ये सब क्या थे ये सब स्टेप्स इन्होंने लिए थे ताकि फ्रांस में लोग थोड़ा यूनाइटेड फील करें ठीक है अब ये एक इमेज है जो कि आप आप बच्चों के बुक में दे रखा है ठीक है मेरे इस इमेज में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ठीक है पर मुझे पता है इसमें क्या है तो मैं आपको बताती हूँ आपको अपने बुक्स में जो इमेज है उसमें फिर भी थोड़ा और क्लियरली दिख जाएगा ठीक है तो ये एक जर्मन एलमनैक् का कवर है ठीक है तो एक तरफ क्या है बैस्टाइल बिल्डिंग ठीक है बैस्टाइल आपको याद होगा अभी याद दिला दूंगी याद नहीं है तो ठीक है एक तरफ बैस्टाइल फोर्ट्रेस जो कि फ्रांस में था उसकी इमेज लगी हुई है और दूसरे तरफ जर्मनी के एक बहुत बड़े किले की इमेज लगी हुई है तो बेस्टाइल क्या था फ्रांस में ना एक बहुत बड़ा आलिशान सा किला था जिसे बेस्टाइल कहते थे वो राजा के पावर की एक निशानी थी अब फ्रांस के लोगों को तो राजा पसंद नहीं थे फ्रांस के लोग क्या करते हैं एक दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट होता है गुस्से में बैस्टाइल को पूरा तोड़ देते हैं ठीक है तो जर्मनी के लोग उससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि वाह बहुत बढ़िया करा ठीक है तो जर्मनी में इस टाइप के अल्मेनाक कवर्स बन रहे थे जिसमें उन्होंने क्या करा जर्मनी के एक फोर्ट्रेस प्रिजन की इमेज डाल दी और कहा कि अगर फ्रांस के लोग अपने इस किले को तोड़ सकते हैं राजा के खिलाफ जाने के लिए तो हम क्यों नहीं कर सकते ठीक है तो इस इमेज से बस आपको एक आइडिया दिलाया जा रहा है कि फ्रांस से ना यूरोप की सारी कंट्रीज इंस्पायर होने लग जाती हैं ठीक है आप इसे थोड़ा इस तरीके से सोचो कि मान लो आप क्लास में हो ठीक है और मैम ने क्या करा कुछ ज्यादा ही खतरनाक सा होमवर्क दे दिया ठीक है

ठीक है जब फ्रांस के लोगों के अंदर अचानक से हिम्मत आ जाती है ना क्रांति करने की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तो उन्हें देखकर यूरोप की बाकी कंट्री सोचने लग जाती है, कि यार, अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते ठीक है चलो द रेवल्यूशनरी फर्दर डर दैट इट वॉज मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच पीपल टू लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप तो फ्रांस के लोग पता है क्या मानते थे कि ये उनकी डेस्टिनी है ठीक है ये उनका मिशन है उन्हें पूरे यूरोप को समझाना है कि हम लिबरेट हो सकते हैं ठीक है हम लिबर्टी की तरफ फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं ठीक है धीरे धीरे क्या हुआ इसी टाइम के अराउंड राजा को हटा दिया जाता है और लोग अलग अलग पॉलिटिकल क्लब बनाने लग जाते हैं जैसे कि जैकोबिन क्लब अगेन क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा था लुई सिक्सटीन को जब एग्जीक्यूट कर दिया जाता है फ्रांस के राजा का नाम है उस टाइम के अराउंड जैकोबिन क्लब के लोग बहुत ज्यादा पावर में आ जाते हैं ठीक है धीरे धीरे इनकी ये जो एक्टिविटीज थी वो बाकी कंट्रीज में भी फैलने लग जाती हैं ठीक है नेक्स्ट क्या होता है बाद में थोड़ी ये जो क्लब वगैरह इनके हाथ में से पावर चली जाती है और फ्रांस में एंट्री करते हैं नेपोलियन बोनापार्थ जो कि खुद ही अपने आप को एम्प्र बना देते हैं फ्रांस का ठीक है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये मिलिट्री में थे आर्मी में थे वहां पर बहुत बढ़िया काम करते हैं लोग इन्हें नोटिस करते हैं जब ये अपने पावर के पीक में होते हैं ये खुद ही अपने आप को फ्रांस का राजा बना देते हैं ठीक है अब राजा बनने के बाद ये क्या करते हैं ठीक है थीके? नेपोलियन के बारे में अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे ये सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं सिस्टम को और मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते हैं और फ्रांस के सिस्टम को और बढ़िया करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो क्या करते हैं नेपोलियन ये सिविल कोड ऑफ 1804 बनाते हैं जिसको हम कोड भी कहते हैं नेपोलियनिक कोड में क्या क्या कहा गया डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम में, ठीक है सिविल ऑन बर्थ हमें पता है कि फ्रांस में लाइक नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा है कि सोसाइटी को तीन कैटेगरी में बांटते थे फर्स्ट एस्टेट सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट फर्स्ट एस्टेट में होते थे क्लर्जी ठीक है जो चर्च के लोग होते थे सेकेंड एस्टेट में होते थे नोबल्स रॉयल फैमिली के लोग हाई टाइटल्स के लोग बाकी सारे कॉमन पीपल होते थे थर्ड एस्टेट में फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के लिए दुनिया मस्त थी ठीक है इन इनके पास बहुत सारी प्रिवलेजेस थी थर्ड एस्टेट के लिए लाइफ थोड़ी मुश्किल थी ठीक है तो नेपोलियन ने आते ही कहा कि बाय बर्थ किसी को कोई प्रिवलेज नहीं मिलेगा अगर तुम बाय बर्थ कह रहे हो कि देखो मैं तो क्लर्जी के फैमिली में था मैं फर्स्ट एस्टेट के फैमिली में पैदा हुआ हूं तो तुम्हें उस बेसिस पे कोई प्रिवलेज नहीं दिया जाएगा अच्छा काम करो तभी तुम्हें कोई मेरिट मिलेगा नेक्स्ट क्या कहा नेपोलियन ने इक्वालिटी बिफोर द लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सारे लोग फ्रांस के बराबर हैं ये कहा नेपोलियन ने नेक्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी ठीक है प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट देना स्टार्ट करा नेपोलियन ने ठीक है तो ये जो कोड था ये फ्रांस में तो फॉलो किया जाता ही था इसके अलावा नेपोलियन ने फ्रांस के आसपास जो कुछ एरियाज थे ना उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया था तो वहां पर भी नेपोलियन इन ने कोड को यूज करते थे ठीक है तो इन डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड इन इटली जर्मनी नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन इन सारे एरियाज में भी नेपोलियन ने क्या करा एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके को सिम्पलीफाई करा फ्यूडल सिस्टम मतलब बहुत पहले का जो सिस्टम होता था उसे बदला ठीक है कई बार फार्मर्स से जबरदस्ती काम कराया जाता था उन्हें सैलरी भी नहीं दी जाती थी उसकी तो ये सारी चीज़ें बंद कराई फार्मर्स के लिए भी बहुत कुछ करा नेपोलियन ने ठीक है गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब है जब पहले राजा थे तो गिल्ड का मतलब होता है अगर चार पांच लोग मिलके ग्रुप बना ले और वो किसी एक चीज़ के लिए जैसे अच्छे से ट्रेड करने के लिए या बिजनेस करने के लिए साथ में काम करने लगे तो हम उन्हें गिल्ड कहते हैं तो पहले राजा ने गिल्ड के ऊपर बहुत रोक टोक लगा रखी थी कि तुम ये नहीं कर सकते तुम वो नहीं कर सकते नेपोलियन ने आते ही वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी ठीक है फिर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत डेवलपमेंट करा नेपोलियन ने एंड अगर कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छे से होने लगे डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है ठीक है नेक्स्ट फार्मर्स आर्टिस न्यू बिजनेसमैन इन सबको अचानक से लग रहा था कि हमें एक नई फ्रीडम मिल गई है हमारे लिए काम करना तरक्की करना डेवलपमेंट करना आसान हो गया है ठीक है नेक्स्ट बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स इनको पर्टिकुलरली फील हुआ कि जो यूनिफॉर्म लॉज का सिस्टम है हर जगह सेम तरीके से मेजरमेंट होगी ठीक है हर 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 जगह सेम तरीके से हम लोग वे देखेंगे चीज का इन सब से बहुत ज्यादा इन्हें फायदा हुआ और फ्रांस में पता है एक और चीज होती थी हर जगह ये लोग अलग अलग टाइप की करेंसी चला रहे थे ठीक है तो इस चीज को भी कम करा ठीक है ये कहा गया कि ऐसे नहीं करना हर जगह अलग अलग करेंसी चला रहे हो हर जगह सेम करेंसी चलाने की कोशिश करो ठीक है तो ये सारी चीजें बढ़िया बढ़िया चीजें हमारे नेपोलियन कर रहे थे ठीक है पर थोड़े टाइम के बाद पता है क्या होता है नेपोलियन की हरकतें हल्की सी बदलने सी लग जाती हैं ओके तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो पता है ऐसे होता था कि कुछ राज्य के लोग ऐसा सोचते थे कि काश हमारे राज्य के ऊपर नेपोलियन आके कब्जा कर ले ठीक है क्योंकि फिर हमारे राज्य की भी तरक्की होने लगेगी पर फिर जब नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था तो इन्हें पता चल रहा था कि नेपोलियन के राज्य में सब कुछ परफेक्ट नहीं था कुछ प्रॉब्लम्स भी थी ठीक है तो इनिशियली बहुत सारे एरियाज में होलैंड में ठीक है ब्रूजेल्स मीन्स इन सबको ऐसा लग रहा था कि जब फ्रेंच आर्मी आएगी तो बहुत ज्यादा फ्रीडम और लिबर्टी मिलेगी पर धीरे धीरे इन्हें समझ आया कि कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं ठीक है जैसे कि इंक्रीज टैक्सेशन इन लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाने लगा सेंसरशिप सेंसरशिप का मतलब होता है कोई भी कहानी पब्लिश करने से पहले कोई भी या मतलब गाना पब्लिश करने से पहले राजा से परमिशन लेना ठीक है सेंसरशिप लग गई तो मतलब लोगों की फ्रीडम कम कर ली ठीक है लोगों को जबरदस्ती उठा के फ्रेंच आर्मी में डाल दिया जाता था तो जब ये सारी चीजें होने लगी तो लोगों के दिमाग में आने लगा कि वॉज इट वर्थ इट ठीक है कि क्या कोई फायदा हुआ हम लोग तो लिबर्टी लिबर्टी सोच के हमें लग रहा था बढ़िया होगा नेपोलियन कब्जा कर ले तो पर जब वो कब्जा कर रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं ठीक है चलो तो एक और टॉपिक हमने कवर कर लिया है अभी तो हिस्ट्री है लंबा चलेगा ठीक है चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ठीक है तो अब इस टॉपिक में हम समझेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में कि उस टाइम पे अगर आप देखो तो कोई कंट्री नहीं थी कोई नेशन नहीं था क्या था सिर्फ किंगडम थे राज्य थे है ना बाद में धीरे धीरे ये लोग कंट्री बनाते हैं नेशन बनाते हैं तो वो चीज कैसे होती है वो हम धीरे धीरे समझेंगे ठीक है दरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास इस दौरान एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होती है एंड एरिस्टोक्रेसी मतलब राजा रानी का सिस्टम इस दौरान कैसा था वो समझते हैं ठीक है तो एरिस्टोक्रेसी की ना देखो वैसे तो एरिस्टोक्रेट्स मतलब राजा रानी राजकुमारी राजकुमार इन सब की पॉपुलेशन कम थी ठीक है और ये यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग राजा रानी अलग अलग राजकुमार राजकुमारी ये सब रहते थे पर देर वेल कनेक्टेड ठीक है क्योंकि इन लोगों की लाइफ सेम सी होती थी तो दे वर वेल कनेक्टेड इन्हें एक दूसरे के बारे में पता होता था ऐसे पता होता था कि किसने कहाँ पे कितनी जमीन खरीद रखी है कभी कभी ये लोग आपस में शादियाँ भी करते थे ठीक है जैसे आ, आप लोगों ने अगेन नाइन्थ क्लास में पढ़ रखा है कि जो रशिया की रानी थी वो इनिशियली जर्मनी से थी फ्रांस में भी ऑस्ट्रिया से आती हैं ठीक है प्रिंसेस फिर वो फ्रांस में शादी करने के बाद रानी बनती हैं तो ये आपस में इधर उधर शादियां भी किया करते थे तो दे वर वेल कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज आल्सो ठीक है पर इनकी पावर ज्यादा तो थी पर इनका पॉपुलेशन कम था ओके पॉपुलेशन ज्यादा किसका था पेजेंट्री का मतलब फार्मर ज्यादा थे पॉपुलेशन में ओके इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप सेंट्रल यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में क्या चल रहा था लोग धीरे धीरे ट्रेड कर रहे थे बिजनेस कर रहे थे नई नई इंडस्ट्रीज आ रही थी तो इसी दौरान हम देखते हैं कि एक मिडिल क्लास बनती है ठीक है मिडिल क्लास का क्या मतलब होता है वही जो हम आज के टाइम पे कहते हैं मिडिल क्लास मतलब ना तो बहुत ज्यादा पुअर पर ना ही बहुत ज्यादा रिच मतलब ठीक ठाक इनका चल रहा है काम तो उनको हम मिडिल क्लास कहते हैं ठीक है चलो वॉट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर ठीक है लोगों के लिए लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था उनके लिए असली मतलब क्या था लिबरलिज्म अगर वो कहते थे तो ये जो शब्द है ना लिबरलिज्म लैटिन वर्ड से बना है ठीक है लिबर जिसका मतलब होता है फ्री ठीक है तो जो नई नई मिडिल क्लास बनी थी ना ठीक है जो न्यू मिडिल क्लास बनी थी उनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब हुआ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ ठीक है तो अगर मुझे आजादी मिल रही है और अगर मुझे कानून के सामने सेम ट्रीटमेंट दी जा रही है तो मैं कहूंगी हाँ यहाँ लिबर्टी हाँ, है ठीक है तो क्या मतलब था मिडिल क्लास के लिए लिबर्टी का इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले और कानून के सामने सारे लोग इक्वल हों ये मतलब था लोगों के लिए इक्वालिटी का ठीक है पॉलिटिकली इट एम्फोसाइज क्या मतलब है देना मतलब हम मानते हैं कि तुम, हो, तुम बना लो गवर्नमेंट हमें कोई दिक्कत नहीं है जैसे राजा रानी के सिस्टम में हम कोई कंसेंट नहीं देते वो खुद अपने बच्चों को राजा बना देते है ना पर पॉलिटिकली लिबर्टी का मतलब है कि हम कंसेंट दे रहे हैं ठीक है कि हमारे मर्जी के लोग गवर्नमेंट का हिस्सा बन रहे हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि लिबर्टी का मतलब इस सेंस में ये है कि जो मोनाक का सिस्टम है राजा रानी का सिस्टम है वो खत्म हो जाना चाहिए ठीक है अब यहां पे आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब यूनिवर्सल सफरेज नहीं था इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब सब लोग कानून के सामने बराबर हैं तो ये तो इस चीज के ऊपर इन्हें विश्वास था पर ये लोग यूनिवर्सल सफरेज के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे यूनिवर्सल सफरेज मतलब सबको वोटिंग राइट मिले इस चीज के ऊपर इनका विश्वास नहीं था जैसे अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में क्या था काफी लंबे टाइम तक तो ऐसा था कि मेन में भी सिर्फ वही लोग वोट दे सकते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है प्रॉपर्टी ज्यादा है जो टैक्स बहुत ज्यादा पे करते हैं ठीक है फिर ये इस सिस्टम को चेंज करते हैं और कहते हैं कि नहीं अब हम प्रॉपर्टी और तुम्हारे पैसे वैसे नहीं देखेंगे अगर तुम मैन हो तो तुम वोट दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है पर के बारे में बहुत लंबे टाइम तो तक को कोई भी राइट नहीं दिए जाते हैं ठीक है नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वीमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर बीच में जब जेकोबिन क्लब के लोग आए थे तब इन्होंने कहा था मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑलेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पोलिटिकल राइट बीच में जब जैकोबिन लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है और अगर आप एक मैन हो तो आप वोट दे सकते हो फिर नेपोलियन आए और नेपोलियन ने कहा कि नहीं ऐसे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकते और विमेन के पास तो बहुत लंबे टाइम से वोटिंग राइट right था ही नहीं अराउंड आई थिंक हाँ नाइनटीन में फ्रांस के वुमेन को वोटिंग राइट मिलता है ठीक है इन द इकोनॉमिक दर अभी तो हमने समझ लिया कि मिडिल क्लास के लिए लिबर्टी का क्या मतलब था फिर हमने समझ लिया पॉलिटिकली लिबर्टी का क्या मतलब था इकोनॉमिक स्पियर में ठीक है इकोनॉमिक्स के कंटेक्स में लिबर्टी का क्या मतलब है कि आपके पास पूरी छूट है कि आप आराम से अच्छे से बिजनेस कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो ये मतलब था इकोनॉमिक स्पीयर में ठीक है तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है जैसे मैंने थोड़ा अजीब सा एग्जाम्पल दे के समझाया था ना हरियाणा पंजाब वन किलोमीटर वाला तो वही एग्जाम्पल आपको थोड़ा और अलग करके समझा रखा है ठीक है फ्रांस में क्या था एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करा जाता था एल ठीक है तो अगर आपको कपड़े को नापना हो तो एल से नापते थे ठीक है जैसे हम सेंटीमीटर मीटर लगाते हैं ना वैसे तो अलग अलग जगह एक एल का मतलब बदल जाता था ठीक है तो अगर आप फ्रैंकफर्ट में जाओ और बोलो मुझे एक एल कपड़ा चाहिए तो वो आपको 54.7 सेंटीमीटर पकड़ा देंगे। अगर आप में जाके बोलो कि मुझे एक एल कपड़ा चाहिए तो वो 55 सेंटीमीटर कपड़ा आपको पकड़ाएंगे तो ऐसे अलग अलग एरिया में मेजरमेंट करने का तरीका अलग था ठीक है फिफ्टी और फिफ्टी तो फिर भी आस है न्यूरमबर्ग में अगर आप जाओ तो वहां सिक्सटी सेंटीमीटर हो जाता था एक का मतलब. तो ऐसे हालात में बिजनेस कर पाना लोगों के लिए मुश्किल था इकोनॉमिक तो सॉल्यूशन मतलब निकालना कि हमारे लिए बिजनेस करना आसान हो जाए 1834 में क्या होता है? एक कस्टम यूनियन बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं जोलवरिन ठीक है आप इसे ऐसा समझो कि कुछ लोगों का ग्रुप था ये ठीक है इट वॉज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया प्रशिया के इनिशिएटिव से ये बना था एंड जर्मनी के बहुत सारे स्टेट्स ने इस यूनियन को ज्वाइन कर रखा था एंड इस यूनियन ने क्या करा इस ग्रुप ने क्या करा टैरिफ बैरियर्स ठीक है अलग अलग जगह जो टैक्स के बैरियर्स होते थे उनको हटाया ठीक है और मैंने आपको बताया कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग करेंसी मानी जाती थी तब तो इन्होंने अलग अलग करेंसी को हटा के जैसे कुछ थर्टी करेंसीज को फॉलो करते थे लोग तो थर्टी नंबर को कम करके ये टू तक ले आए थे ठीक है तो क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल कि बताओ जोलवेरेन क्या था कुछ नहीं करना ये पैराग्राफ लिख देना नंबर मिल जाएंगे ठीक है चलो इसके अलावा रेलवे और अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी बहुत हेल्प मिलती है मैंने आपको बताया कहीं पर भी डेवलपमेंट करना हो तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो अलग अलग जगह पर रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा था जिससे लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ रही थी ठीक है Next, क्या होता है? A new conservatism after 1815, ठीक है अब हम 1815 के बाद के टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे ठीक है तो क्या होता है एटीन में ना वॉटर में नेपोलियन को हरा दिया जाता है ठीक है नेपोलियन के साथ बेसिकली ऐसा हुआ था कि जो बाकी कंट्रीज के लोग थे ना उनको लगा कि नेपोलियन कुछ ज्यादा ही मॉडर्न करे जा रहा है चीजों को तो वो सारे लोग साथ में मिलके क्या करते हैं नेपोलियन को हरा देते हैं एक बैटल में वॉटर में होता है वो बैटल ठीक है तो अब नेपोलियन तो हट गया हमारी कहानी से है ना पहले न, नेपोलियन हर एक चीज को बदल रहा था अब नेपोलियन हट गया कहानी से तो नेपोलियन को 1815 में हटाने के बाद लोग क्या करते हैं जो अलग अलग एरिया के राजा थे वो क्या करते हैं वो फिर से कंजर्वेटिज्म की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कंजर्वेटिज्म मतलब पुराना ट्रेडिशन ठीक है मतलब पुराना ट्रेडिशन इस कंटेक्स में क्या हुआ पुराना राजा रानी वाला सिस्टम ठीक है तो लोगों को अलग अलग राज्य के अलग अलग राजा को अच्छा नहीं लग रहा था कि नेपोलियन चीजों को बदल रहा है उनके हाथ से पावर जा रही है तो उन्होंने क्या करा उन्होंने नेपोलियन को हटाया और नेपोलियन जो भी चेंजेस लेकर आए उन चेंजेस को भी धीरे धीरे हटाने की कोशिश करी ठीक है मोस्ट कंजर्वेटिव डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज ज्यादातर कंजर्वेटिव का मानना था कि हमें वापस अपने ट्रेडिशन की तरफ जाना चाहिए पर सबसे पुराने ट्रेडिशन को भी हमें नहीं चुनना चाहिए उसका फायदा नहीं है ठीक है उससे फिर हमारा एरिया ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा ठीक है पर उन्हें नेपोलियन के तरीके भी ज्यादा पसंद नहीं थे तो इन्होंने सोचा कि हम एक बैलेंस बनाएंगे थोड़ा थोड़ा नेपोलियन के आइडियाज को फॉलो करेंगे और थोड़ा थोड़ा अपना कंजर्वेटिज्म पुराना ट्रेडिशन यूज करेंगे ठीक है अब ये लोग नेपोलियन के तरीके को थोड़ा बहुत पसंद भी करते थे क्योंकि इस तरीके से स्टेट की पावर आर्मी की पावर सब कुछ बढ़िया हो जाती तो इन्होंने सोचा कि हम थोड़ा बहुत जो नेपोलियन चेंज करके गए उसको फॉलो करेंगे और फिर थोड़ा बहुत कंजर्वेटिज्म भी हम लोग यूज करेंगे ठीक है एटीन फिफ्टीन में क्या होता है यूरोप के बहुत सारे जो पावरफुल कंट्रीज uh, थे उस टाइम के वो लोग एक एरिया में मिलते हैं ब्रिटेन रशिया प्रशिया और ऑस्ट्रिया ठीक है इन लोगों का ही मेन हाथ था नेपोलियन को हराने में ठीक है तो इन लोगों ने कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया था हराने के बाद ये लोग करते हैं मस्तिक मीटिंग ठीक है वियना में करते हैं ये लोग एक मीटिंग एंड इस मीटिंग को होस्ट कौन कर रहे थे

जगह पर मिलते हैं ये लोग और वहां पे ट्रीटी ऑफ वियना बनाते हैं ये 1815 में ये एक एग्रीमेंट बनाते हैं और इस एग्रीमेंट का मेन मकसद क्या था कि नेपोलियन जो भी बदलाव करके गया है उन बदलाव को हमें हटाना है ठीक है द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रांस में नेपोलियन को तो हटा दिया है ना अब नेक्स्ट कौन आएंगे अब नेक्स्ट फ्रांस को कौन संभाल रहा होगा आ ये क्वेश्चन आप बच्चों के दिमाग में नाइन्थ में ही आ जाता है वैसे तो पर मैंने अपने नाइन्थ के बच्चों को भी कहा था कि यही नाइन्थ की कहानी खत्म हो जाती है बाकी टेंथ में हमें पता चलता है ठीक है तो नेपोलियन को हराने के बाद ये क्या करते हैं फिर से बर्बन डायनेस्टी को स्टार्ट कर देते हैं बर्बन डायनेस्टी मतलब जो लुई सिक्सटीन थे ना वो बर्बन डायनेस्टी के पार्ट थे तो लुई सिक्सटीन तो आप गए उन्हें तो पब्लिकली मार दिया उन्हीं के फैमिली में से एक और इंसान को राजा बना दिया जाता है ठीक है अब क्या होता है अलग अलग एरियाज जो कि पहले नेपोलियन के थे नेपोलियन ने अटैक करके बहुत सारे एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था ना उन सारे एरियाज को ये सारे लोग आपस में बांट लेते हैं फ्रांस से छीन लेते हैं ठीक है तो किंगडम ऑफ नेदरलैंड जिसका पार्ट था बेल्जियम ठीक है वॉज सेटअप इन नॉर्थ एंड जिनोवा ठीक है जिनोवा को भी बांट लिया उन्होंने प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज प्रशिया को नई नई टेरिटरीज मिल गई ऑस्ट्रिया को नदन इटली पकड़ा दिया कि तुम नदन इटली को संभालो ठीक है तो ऐसे अलग अलग नेपोलियन के जो राज्य थे वो अलग अलग लोगों को बांट दिए जर्मन कन्फेडरेशन जो थे 39 स्टेट उनको काफी टाइम तक इन्होंने नहीं छुआ ठीक है पर बाकी सारे एरिया को ये बांट देते हैं रशिया को ये पोलैंड पकड़ा देते हैं तो ऐसे अलग अलग को ये कंट्रीज आपस में बांट लेते हैं ठीक है अब 1815 का जो सिस्टम था ना वो ऑटोक्रेटिक था ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब होता है एक इंसान के हाथ में सारी पावर जैसे राजा रानी के सिस्टम में होता है ठीक है तो ये ये लोग क्या कर रहे थे ये अपने पुराने पुराने सिस्टम को फॉलो करते थे जैसे कि इन्होंने सेंसरशिप फिर से लगा दिया था ठीक है सेंसरशिप वही जो हमने डिस्कस करा था कि अगर आपको न्यूज़पेपर में कुछ लिखना है कोई प्ले बनाना है कोई सॉन्ग बनाना है तो पहले आपको राजा से परमिशन लेनी होगी ठीक है पर नेवर द लेस ये सब होने के बाद भी फ्रांस के लोगों के दिल में और यूरोप के बाकी लोगों के दिल में ये एक फीलिंग थी कि हाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने बहुत कुछ सीखा कि लिबरलिज्म चाहिए ठीक है इक्वालिटी चाहिए फ्रेटर्निटी चाहिए तो ये सारे आइडियाज अब भी इन लोगों के दिमाग में थे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट ठीक है इसमें हम समझेंगे कि उस दौरान यूरोप में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी देखो जैसे फ्रेंच रेवल्यूशन रशियन रेवल्यूशन इन सब में हमने क्रांति के बारे में पढ़ा पर क्रांति ना कभी बेवजह नहीं होती क्रांति के लिए कोई कारण होना चाहिए है ना जैसे इंडिया में भी अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई क्रांति करना चाहोगे तो कोई कारण होगा है ना अगर गवर्नमेंट सब अच्छा अच्छा कर रही है तो हम क्रांति नहीं करेंगे अगर गवर्नमेंट कल को कुछ गलत कर दे तो शायद कोई क्रांति हो भी जाए

और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जॉब करना चाहते थे ठीक है अब क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए तो क्या होता था गांव के लोग अपने गांव को छोड़ के शहरों में जाने लगे सिटीज में जाने लगे ऐसे में क्या हुआ शहर में बहुत सारे लोग आ गए जो जॉब की तलाश में आ रहे थे ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन का जो सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने लग जाता है लोगों को क्योंकि ब्रिटेन ने पता है उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली थी तो ये लोग क्या करते थे ये मशीन से बढ़िया बढ़िया कपड़े बना के सस्ते में बेचते थे तो ऐसी कंट्रीज जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी उनका नुकसान होने लगा जैसे हमारे इंडिया में हुआ था ना कि ब्रिटिशर्स के कपड़े सस्ते में बिकते थे हमारे कपड़े महंगे बिकते थे तो कोई खरीदता नहीं था खादी के कपड़े तो हमारे जो खादी के लोग थे खादी बेचने वाले लोग थे उनका बहुत नुकसान हुआ है ना सेम चीज बाकी यूरोप में भी होती है ठीक है इसी दौरान फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा भी है कि कैसे आ, फ्रांस में और बाकी रशिया में भी लोग लाइन में खड़े रहते थे बेकरी के बाहर की बहुत लंबी लंबी लाइनों में घंटों तक कि उन्हें खाना मिले और फूड के प्राइसेस भी दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेडल्टेल्स अबी वन ठीक है ऐसे में क्या होता है जो नेशनल असेंबली के लोग हैं ये कहते हैं कि हम एक रिपब्लिक बना रहे हैं और सारे मेल्स जो हैं वो लोग वोट कर सकते हैं और उनके पास राइट टू वर्क है ठीक है ये लोग धीरे धीरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं ठीक है नेक्स्ट 1845 में आपको एक और छोटी सी कहानी बता रखी है कि इस दौरान सिलेशिया में क्या चल रहा था सिलेशिया में एक प्रोटेस्ट चल रहा था ठीक है यहाँ पे क्या था कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट चल रहा था तो क्या होता था कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे थे वो वो जाते वीवर्स वीवर्स के पास ठीक है और वो वीवर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे जैसे मान लो कॉटन पकड़ा दिया ठीक है और वीवर्स से बोलते थे कि आप इन कॉटन को यूज करके हमें कपड़े बना के दो और बदले में उनको पेमेंट देते थे तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्टर्स अच्छी पेमेंट देते थे

पर उस गांव से भी कॉन्ट्रैक्टर्स को भगा दिया जाता है ये क्या कि कि हम ऐसे लोगों को लोगों को को नहीं छुपाएंगे जो सैलरी तक नहीं देते हैं तो उनमें से एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं वापस अपने घर तो जाना ही है कोई और गांव उन्हें छुपा भी नहीं रहा तो वो थोड़े सोल्जर्स को इकट्ठा करके वापस जाते हैं वो वीवर्स के पास फिर वीवर्स और सोल्जर्स की लड़ाई होती है एंड उस लड़ाई में सोल्जर्स क्या करते हैं कुछ लेवन वीवर्स को के ऊपर गोली चला देते हैं ठीक है चलो 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स ठीक है 1848 में क्या होता है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स ये समझते हैं तो एक तरफ क्या था कंट्री साइड में गांव के एरिया में जो पूअर लोग थे वो लोग अपनी तरफ से लड़ाई करने में क्रांति करने में लगे हुए थे दूसरी तरफ क्या था जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे वो लोग भी अलग अपनी क्रांति करने में लगे हुए थे ठीक है तो फेबर 1848 में फ्रांस में क्या होता है फ्रांस हैज ब्रॉट अबाउट एबिकेसन ऑफ मोनाक एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज ठीक है तो इस दौरान फ्रांस में क्या होता है मोनार को हटा दिया जाता है और यूनिवर्सल मेल सफरेज के बारे में बात होती है अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप जो बाकी पार्ट थे यूरोप के जैसे अपना जर्मनी इटली पोलैंड ये सब हो गया ये लोग क्या सोचते हैं कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो ये लोग भी डिमांड करने लग जाते हैं अपने राजा से कि हमें संविधान बनाने दो हमें नेशन को यूनाइट करने दो ठीक है इन्हें पता था कि अभी जो जनता है वो थोड़ी मतलब अनरेस्ट में है ठीक है वो फ्रेंच रेवल्यूशन से थोड़ी इंस्पायर्ड है तो ये अपने जनता को इंस्पायर करते थे कि चलो राजा से बोलते हैं संविधान बनाते हैं फ्रांस की तरह ठीक है फिर हम फ्रीडम ऑफ प्रेस मांगेंगे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मांगेंगे ये सब ये लोग बातचीत करते थे ठीक है जर्मनी के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं ठीक है जैसे जो आ, कुछ प्रोफेशनल होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं ये सारे लोग साथ में मिलते हैं फ्रैंकफर्ट में और ये लोग वोटिंग करके क्या बनाते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली जैसे फ्रांस में था ना नेशनल असेंबली वैसे ये लोग जर्मनी में एक नेशनल असेंबली बनाने की बात करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या होता है ये लोग एक संविधान बनाते हैं जैसे फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया था तो ये लोग भी एक संविधान बनाते हैं ठीक है और अपने राजा से जाके कहते हैं कि राजा हमने संविधान बनाया है आप इस संविधान को मान के चलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम स्टार्ट करेंगे ठीक है तो ये उस टाइम पे राजा कौन थे प्रशिया के फ्रेडरिक विल्हेम 4 ठीक है तो उनके पास संविधान लेके जाते हैं राजा को पता है कि अगर मैंने संविधान फॉलो कर लिया तो मेरी पावर कम हो जाएगी राजा झट से मना कर देते हैं कि नहीं मुझे ये संविधान नहीं चाहिए ठीक है ऑपोजिशन ऑफ एंड मिलिट्री बिकेम द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड तो इस दौरान क्या हो रहा था लोग राजा के खिलाफ गुस्सा हो जाते हैं मिलिट्री पावर बढ़ने लग जाती है पर पार्लियामेंट के लिए जो सपोर्ट था वो कम होता जा रहा था ठीक है क्यों पार्लियामेंट में मिडिल क्लास के लोग ज्यादा थे तो मिडिल क्लास के लोग कानून किसके लिए बनाएंगे मिडिल क्लास के लिए बनाएंगे तो ये गरीब लोगों की ज्यादा इज्जत नहीं, नहीं करते थे और हमें पता है मेजोरिटी में तो गरीब लोग थे यूरोप में उस टाइम पे तो सारे गरीब लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं कुछ टाइम के बाद पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाता है ठीक है तो ये जर्मनी के बारे में अभी हमने पढ़ा नेक्स्ट थोड़ा विमेन के बारे में डिस्कस करते हैं के बारे में मैंने आपको बताया कि वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था हर एक रेवोल्यूशन में इन्होंने न्यूज़पेपर्स फॉर्म करें पॉलिटिकल क्लब्स बनाए पॉलिटिकल मीटिंग करी पर डिस्पाइट ऑल दिस उन्हें बहुत लंबे टाइम तक कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते अच्छे से एंड वोटिंग का राइट तो उन्हें बहुत ही लंबे टाइम तक नहीं मिलता है जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनती है ना तब भी वुमेन के पास राइट नहीं था पार्लियामेंट के अंदर जाके डिस्कशन करने का उनसे कहा जाता था कि तुम बस आ, अंदर आके देख सकते हो कि क्या मीटिंग क्या डिस्कशन चल रहा है तुम उस डिस्कशन का पार्ट नहीं बन सकते ठीक है दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर ठीक है तो धीरे-धीरे जो राजा लोग थे उन्होंने लिबरल्स uh, को चुप करा दिया था जो लोग कह रहे थे कि राजा रानी को बदलो संविधान लाओ उनको चुप तो करा दिया था पर राजा रानी को समझ आ गया था कि अब टाइम बदल रहा है हम इन्हें ज्यादा टाइम तक चुप नहीं करा पाएंगे हमें कभी ना कभी इनकी बात सुननी पड़ेगी ठीक है तो इयर्स आफ्टर 1848 फोर्टी एट ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज बिगैन टू इंट्रोड्यूस चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप तो 1848 के बाद हम देखते हैं कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है वेस्टर्न यूरोप में तो वैसे ही बहुत कुछ बदलाव आ चुका था अब धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप में भी वो बदलाव आ रहे थे ठीक है चलो तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि जर्मनी कंट्री कैसे बनी पहले आप पढ़ोगे जर्मनी कैसे बनी उसके बाद आप पढ़ोगे इटली कैसे बना एक कंट्री उसके बाद आपको ब्रिटेन के बारे में बताया जाएगा तो हम कुछ कुछ अभी यूरोप के कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि उनका फॉर्मेशन वो नेशन कैसे बने ठीक है तो 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन 1848 के बाद नेशनलिज्म का रिलेशन डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के साथ थोड़ा कम हो गया इस तो हम देखते हैं कि राजा राजा रानी 1848 के बाद क्या होता है? राजा और रानी नेशनलिज्म के बारे में ज्यादा बातचीत करने लग जाते हैं क्यों अब यह सुनने में थोड़ा और लग रहा है ना कि राजा और रानी कह रहे हैं कि नेशनलिज्म लेकर आओ इनको क्या मिलेगा नेशनलिज्म लाकर इनका तो नुकसान होना चाहिए पर ऐसा नहीं था 1848 के बाद राजा रानी ज्यादा बोलने लगते हैं कि हम नेशन बनाते हैं कंट्री बनाते हैं और इसके पीछे का लॉजिक ये था कि राजा रानी के दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है कि हम नेशनलिज्म के नाम पे सारे किंगडम्स को यूनाइट करके एक कंट्री बनाएंगे और फिर मैं उस पूरे कंट्री के ऊपर राज करूंगा ठीक है तो इनका जो आइडिया था वो मतलब कंप्लीटली एक था कि मेरी पावर्स बढ़ जाएंगी मैं ज्यादा एरियाज के ऊपर कब्जा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो इसीलिए ये क्या चाहते थे अचानक से कि हर एक किंगडम को हम यूनाइट कर लें फिर मैं बड़े से एरिया के ऊपर राजा या रानी बन मैं रूल करूंगी ठीक है तो इसीलिए ये लोगों को मतलब एनकरेज कैसे करते थे अलग अलग किंगडम को यूनाइट करने के लिए ये नेशनलिज्म का नाम लेते थे कि नहीं नहीं हम तो नेशनलिज्म के लिए यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है फीलिंग्स वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल मिडिल क्लास क्लास में भी नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज्यादा थी 1848 में इन्होंने जर्मनी के अलग अलग एरियाज को यूनाइट करने की भी कोशिश करी ठीक है और एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाने की कोशिश भी करी ठीक है हाउ ये जो इनका प्लान था ये उतने अच्छे से लंबे टाइम तक चल नहीं पाता फ्रॉम देन ऑन हमने देखा ना कि उनकी जो नेशनल uh, असेंबली थी जो पार्लियामेंट था उसे कोई सपोर्ट नहीं करता ठीक है उसके बाद क्या होता है प्रशिया के लोग सोचते हैं कि हम लीडर बनेंगे और हम पूरे जर्मनी की कंट्री को बना के दिखाएंगे ठीक है तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था पूरे जर्मनी को यूनाइट करने में ठीक है थ्री वॉर्स तो ओटोवॉन तो बिस्मार्क क्या करते हैं वो थ्री वॉर्स कराते हैं ठीक है सेवन ईयर्स के अंदर अंदर ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ एंड इन वॉर्स में ठीक है सेवन ईयर्स के बाद प्रशियन लोगों की विक्ट्री हो जाती है और इस विक्ट्री के साथ जर्मनी का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है तो जनवरी 1871 में जो प्रशिया के राजा थे किंग विलियम फर्स्ट उनको पूरे जर्मनी का राजा बना दिया जाता है तो अब आपको समझ आया कि क्यों राजा रानी नेशनलिज्म के नाम पे चाहते थे कि कंट्री बन जाए किसे फायदा फायदा हुआ हुआ राजा को फायदा हुआ ना पूरे जर्मनी के राजा बन गए वो ओके तो क्या होता है ये लोग आ, मिलते हैं वर्सेल्स के एक हॉल में ठीक है और उस दिन बहुत ज्यादा ठंड होती है सुबह सुबह मिलते हैं ये लोग ठीक है एंड वहां पे क्या होता है सेरेमनी वगैरह होती है और सब लोगों के सामने बोल दिया जाता है कि हाँ ये हमारे जर्मन एम्पायर के हेड हैं राजा हैं ठीक है किंग विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया ठीक है तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जर्मनी की क्या कहानी थी जर्मनी में कैसे इनकी पूरी कंट्री फॉर्म होती है ठीक है तो इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या देखने को मिला कि प्रशिया का डोमिनेंस था है ना प्रशिया ने धीरे धीरे करके सबको यूनाइट कराया अब ये जो न्यू स्टेट बना ये जो न्यू कंट्री बनी इस न्यू कंट्री में चीजें अलग थी जर्मनी में इन्होंने अपने करेंसी को मॉडर्नाइज करा बैंकिंग सिस्टम को लीगल और जुडिशियल सिस्टम को भी मॉडर्नाइज करा ठीक है प्रशियन मेजर्स प्रशिया में जो कुछ भी हुआ था उन चीजों से जर्मनी को इंस्पिरेशन मिलती थी क्योंकि प्रशिया का ही मेन रोल था जर्मनी बनाने में तो ये प्रशियन ट्रेडिशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहते थे तो ये जर्मनी का हो गया कि जर्मनी कैसे बना अब सिमिलर कहानी हम पढ़ेंगे इटली में ठीक है इटली का भी कुछ ऐसा ही होता है ठीक है तो इटली में भी क्या था पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था इटली का मैप कुछ ऐसा अभी मैं प्रॉपर आपको मैप दिखा दूंगी ठीक है तो इटली में भी क्या था इनका जो राज्य था वो स्कैटर्ड सा था ठीक है तो जो ओरिजिनल इटालियंस थे वो तो रहते थे यहां पर ठीक है बाकी नॉर्थ के ऊपर किसी और ने कब्जा कर रखा था इस बीच वाले एरिया के ऊपर किसी और ने कब्जा कर रखा था और साउथ के ऊपर भी किसी और का कब्जा था ठीक है तो नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन ठीक है नॉर्थ में क्या था ऑस्ट्रिया के लोगों ने कब्जा कर रखा था ठीक है सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप ये जो बीच वाला एरिया था इसे पोप संभालते थे ठीक है और सदर्न पार्ट में क्या था सदर्न रीजन में स्पेन ने कब्जा कर रखा था ठीक है तो ऑस्ट्रिया पोप और स्पेन ऐसे अलग अलग रीजन के ऊपर अलग अलग लोगों ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे हमारे ओरिजिनल इटली के लोग रहते थे तो अब ये लोग क्या प्लान बनाते हैं कि हम इटली को यूनाइट करेंगे तो आप लोगों ने जोसेपे मजीनी के बारे में सुना होगा 1830 में ये रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं इटली को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं ये सीक्रेट सोसाइटी भी बनाते हैं यंग इटली के नाम से ठीक है पर इतना सक्सेसफुल ये सक्सेसफुल uh, तरीके से इटली को यूनाइट नहीं कर पाते हालांकि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ठीक है नेक्स्ट क्या होता है जो राजा थे ठीक है यहां के जो राजा थे ये सोचते हैं कि बस बहुत हो गया मैं पूरे इटली को यूनाइट करूंगा और फिर मैं पूरे इटली के ऊपर रूल करूंगा ठीक है तो जो राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड ये सोचते हैं कि इटली को यूनाइट करते हैं और यूनाइट करने का रास्ता क्या था वॉर से अलग अलग जगह वॉर करेंगे कब्जा करेंगे ठीक है तो इन्होंने धीरे धीरे करके वॉर करना स्टार्ट करा इनके पास एक चीफ मिनिस्टर कैोर थे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अलग अलग एरियाज के ऊपर कब्जा करने में ठीक है तो अगर हम चीफ मिनिस्टर कैूर के बारे में बात करें तो आ, वो बहुत वेल्दी थे एजुकेटेड मेंबर थे वो ठीक है एलीट थे और वो फ्रेंच बहुत अच्छे से बोल लिया करते थे ठीक है उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर तुम फ्रेंच बोलते हो तो तुम एलीट क्लब के मेंबर हो मतलब थोड़े हाई लेवल के इंसान हो तो वो फ्रेंच बहुत अच्छे से बोलते थे तो वो थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से ठीक है फ्रांस के साथ थोड़ा बहुत अलायंस करके वो अलग अलग एरियाज के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हो और वो धीरे धीरे नॉर्थ के ऊपर कब्जा कर लेते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या होता है जोसेपे ठीक है ये भी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी इटली में यूनिफिकेशन में ठीक है ये क्या करते हैं ये भी कुछ लोगों के हेल्प के थ्रू साउथ के ऊपर कब्जा कर देते हैं ठीक है साउथ में क्या था स्पैनिश लोगों ने कब्जा कर रखा था तो साउथ के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं ठीक है नॉर्थ साउथ में कब्जा हो गया बीच में तो पोप ही थे उसे भी ये लोग संभालना स्टार्ट कर देते हैं बीच वाले पोर्शन को तो 1861 में क्या होता है विक्टर इमैनुअल सेकंड को पूरे यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया जाता है ठीक है पहले वो बस इतने छोटे से एरिया को संभाल रहे थे फिर कुछ लोग उनकी हेल्प करते हैं ये पूरे एरिया के ऊपर अटैक करके पूरे एरिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं कहते हैं कि अब से पूरा एरिया इटली है एंड इटली के ऊपर ये रूल करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है पर पता इटली में ना उस टाइम पे काफी सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे एजुकेटेड नहीं थे ठीक है तो वो लोग पता ऐसे नारे लगा रहे होते थे ला इटालिया मतलब लॉन्ग लिव इटली ठीक है पर वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको समझ नहीं आता था कि इसका क्या मतलब है उनमें से काफी सारे लोगों को लगता था कि लाटालिया तो विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है इसलिए हम मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं ठीक है तो ऐसा भी चलता था इटली में ठीक है तो यूनिफिकेशन से पहले इटली ऐसा दिखता था यहाँ पे ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर रखा है पे पे पोप ने यहां पे स्पेन ने स्पेन ठीक है यूनिफिकेशन के बाद पूरे एरिया के ऊपर एक ही राजा है तो पूरा इटली हमारा पॉपुलर हो गया कि एक ही इंसान संभाल रहा है पूरे इटली को ठीक है नेक्स्ट क्या है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन ठीक है अब हम ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है ब्रिटेन के केस को स्ट्रेंज कहा जा रहा है मतलब अजीब केस था ब्रिटेन का ठीक है तो क्यों कहा जा रहा है बेचारे ब्रिटेन को अजीब क्यों कह रहे हैं ठीक है द ब्रिटेन इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन वॉज नॉट रिजल्ट ऑफ सडन रेवल्यूशन तो बाकी यूरोप के कंट्रीज में क्या था सडन रेवल्यूशन हुआ और चीजें बदल गई है ना पर ब्रिटेन के केस में ऐसा नहीं था इन्हें बहुत लंबा टाइम लग गया धीरे धीरे कर करके इन्होंने पूरा अपना ब्रिटेन रीजन बनाया ठीक है तो यहाँ पे क्या था अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे अलग अलग एथनिक लोग रहते थे ठीक है कुछ एरियाज में इंग्लिश लोग रहते थे कुछ एरियाज में वेल्श लोग रहते थे कुछ एरिया में स्कॉट और कुछ एरिया में आयरिश ठीक है तो यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे वेलिश लोग रहते थे यहाँ पे स्कॉटिश लोग और यहाँ पे आयरिश लोग रहते थे इन चारों लोगों का एकदम अलग कल्चर था अलग ट्रेडिशन था एकदम अलग टाइप के लोग थे ये ठीक है अब ऐसे में क्या होता है जो इंग्लिश नेशन है वो पावरफुल होने लग जाते हैं, ठीक है इन चारों एरियाज में से ये जो इंग्लैंड वाला एरिया है इनके हाथ में पावर आने लग जाती है अब क्या कारण था इसके पीछे यहाँ पे ना इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन होना मतलब इनके हाथ में पैसा आ रहा है पैसा आ गया मतलब ये ये पावरफुल हो रहे हैं हैं तो अब ये क्या करते हैं? अपने पावर को यूज करके धीरे धीरे वेल्स के ऊपर कब्जा कर लेते हैं ठीक है लोगों के ऊपर ये लोग अपना डोमिनेंस जताना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या होता है हम देखते हैं कि इंग्लिश पार्लियामेंट ठीक है यहाँ का जो पार्लियामेंट था पार्लियामेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पूरे ब्रिटेन को यूनाइट करने में ठीक है पार्लियामेंट के लोग क्या करते हैं ये अलग अलग रूल्स बनाते थे जिसके थ्रू इंग्लैंड के लोग अलग अलग एरियाज के ऊपर कब्जा करते थे जैसे कि पार्लियामेंट में द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में इंट्रोड्यूस करा जाता है और एक्ट ऑफ यूनियन से क्या हो जाता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक कंट्री बन जाते हैं ठीक है तो उस एरिया को कहा जाता था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ठीक है तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इन दोनों को साथ में जोड़ दिया गया ठीक है और इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ठीक है पर अब क्या था मैंने आपको बताया स्कॉटलैंड में रहते थे स्कॉटिश लोग है ना इनका कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर था ठीक है तो इंग्लिश लोग क्या करते थे स्कॉटिश लोगों के कल्चर को सप्रेस करते थे ठीक है मतलब उन्हें पसंद नहीं आता था अगर स्कॉटिश लोग अपने डायलेक्ट में या अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे ये सब ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे इस दौरान तो, तो बहुत सारे स्कॉटिश लोगों को तो उन्होंने बाहर कर दिया था कंट्री के कि अगर तुम्हें स्कॉटिश कल्चर को फॉलो करना है तो हमारे कंट्री में मत आओ बहुत सारे लोगों को ये लोग अपने घर के बाहर भगा देते हैं तो अब क्या हुआ इंग्लैंड के पास पैसा आया इन्होंने पार्लियामेंट में अलग अलग कानून बनाए स्कॉटलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया नेक्स्ट ये आयरलैंड के साथ भी सेम करते हैं ठीक है तो आयरलैंड में क्या था आयरलैंड में कैथलिक्स भी थे और प्रोटेस्टेंट भी थे द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ठीक है तो इंग्लैंड में ना प्रोटेस्टेंट्स थोड़े ज्यादा थे ठीक है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स वैसे होते क्या हैं ये क्रिश्चियनिटी के ही दो सेगमेंट्स हैं ठीक है मतलब थोड़े अलग अलग ब्रांचेस हैं तो ओवरऑल क्रिश्चियनिटी के अंडर ही आते हैं पर इनके थोड़े बिलीव्स अलग होते हैं ठीक है तो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स थे आयरलैंड में कैथोलिक्स भी थे और प्रोटेस्टेंट्स भी थे तो इंग्लैंड के लोगों के पास प्रोटेस्टेंट्स है और पैसा है ठीक है तो इन्होंने क्या करा इन्होंने अपने पैसों को यूज करके यहां के प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी तो यहां के प्रोटेस्टेंट्स कैथलिक्स को सप्रेस करने लगे धीरे धीरे इंग्लैंड आयरलैंड के ऊपर भी कब्जा कर लेता है ठीक है तो अब क्या हुआ धीरे धीरे ये सारे एरिया एक ही कंट्री बन गए अब इस नए कंट्री को क्या कह, कहते थे ये लोग ब्रिटिश नेशन कहते थे ठीक है अब इस ब्रिटिश नेशन में यूनिटी फील कराने के लिए ये लोग क्या करते थे इन्होंने एक झंडा बनाया यूनियन जैक ठीक है इन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया गॉड नोबल किंग ठीक है इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को फैलाना स्टार्ट करा कि हम सारे लोग एक कंट्री के हैं तो हम सारे लोग सेम लैंग्वेज भी बोलेंगे नेक्स्ट टॉपिक है है हमारा द नेशन नेशन मतलब nation को करना है ना तो इसे समझने के लिए थोड़ा इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया में हम कहते हैं ना कि इंडिया तो हमारी भारत माता है तो इसका क्या मतलब होता है सही में कोई ऐसी वुमेन है क्या सही में ऐसी कोई औरत है क्या जिस जो भारत माता हो ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है हमने बस अपने कंट्री को एक इमेज दे रखा है ना हम विजुअलाइज करते हैं कि हाँ अपनी कंट्री तो भारत माता है है ना तो इस कॉन्सेप्ट को ना एलिगरी कहते हैं ठीक है जब आप किसी आइडिया को आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करो ठीक है जैसे आ, भारत माता है नहीं कुछ भी है ना कोई असली में कोई लेडी नहीं है पर हम उन हम उन्हें आर्ट के थ्रू विजुअलाइज कर रहे हैं तो वो क्या हो गई वो एलिगरी है हमारी ठीक है तो इस दौरान यूरोप में भी अलग अलग एलिगरीज आने लगती हैं जैसे फ्रांस में हमने नाइन्थ में देखा था ना ये लोग अलग अलग सिंबल्स बनाते थे पेंटिंग्स बनाते थे लोगों को चीजें समझाने के लिए सिमिलरली इन्होंने भी अपनी एक एलिगरी बनाई जिनको कहा जाता था मैरी एन ठीक है तो ये एक बहुत ही फेमस क्रिश्चियन नाम था और उस टाइम पे बहुत सारी जो फ्रांस की लड़कियां थी उनका नाम भी यही हुआ करता था ठीक है तो मैरी एन का जो पूरा का पूरा स्टैचू है उसे आप फ्रांस के अलग अलग स्ट्रीट में देख सकते हो लोगों को मतलब इंस्पायर करने के लिए ठीक है एंकरेज करने के लिए एन की इमेज अलग अलग जगह लगाई गई ठीक है सिंबल ऑफ यूनिटी एन को माना जाता था एन की इमेज कॉइन्स और स्टैंप के ऊपर भी लगाई जाती थी ठीक है चलो नेक्स्ट जर्मेनिया जैसे फ्रांस हमारे यहाँ भारत माता है फ्रांस में अभी हमने देखा मैरियान को जर्मनी की जो एलिगरी थी वो जर्मेनिया थी एंड जर्मेनिया ऐसी दिखती है अभी हम ठीक है कभी कभी उन्हें ऐसे गुस्से में भी पेंट किया जाता था तो क्या हुआ था जर्मनी का एक एरिया था राइनलैंड के, के उस एरिया के ऊपर बाकी कंट्रीज के लोग कब्जा करने की कोशिश करते रहते थे बहुत रिच एरिया था रिसोर्स रिच एरिया था तो इस इस पेंटिंग में दिखा रखा है कि जर्मेनिया गुस्से में तलवार पकड़ के उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रही है कि अगर राइनलैंड में आओगे तो हमारे लोग लड़ेंगे तुमसे ठीक है तो अभी हम जर्मेनिया ने जो अलग अलग चीजें पकड़ रखी हैं उन चीजों का मतलब समझते हैं तो इस पेंटिंग में जर्मेनिया की पेंटिंग में ब्रोकन चेन्स है जो कि फ्रीडम का सिंबल है ठीक है यहां पे देखो ब्रेस्ट प्लेट पे ईगल है ठीक है तो ईगल क्या है स्ट्रेंथ का सिंबल है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर ठीक है ओक लीव्स का एक क्राउन उन्होंने सर पे ऐसे ओक लीव्स लगा रखा है हीरोइज्म का सिंबल होता है ये इन्होंने हाथ में एक तलवार पकड़ रखा है मतलब ये रेडी है लड़ाई करने के लिए ठीक है ऑलिव ब्रांच है इनके स्वॉर्ड के ऊपर मतलब विलिंगनेस टू मेक पीस लड़ाई करने के लिए तैयार है पर अगर पीस की जरूरत होगी तो शी इज विलिंग टू मेक पीस ऑल्सो ब्लैक रेड और गोल्ड इनके फ्लैग का कलर है ये जर्मनी के फ्लैग्स में यूज करा जाता है पीछे ये जो ऐसे येलो लाइट पड़ रही है ना नीचे से ये आपको मे भी समझ ना आ रहा हो पर पीछे क्या हो रहा है सनराइज हो रहा है ठीक है सनराइज किस चीज का सिंबल है न्यू एरा का मतलब एक नया टाइम आ रहा है ठीक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म धीरे धीरे पता है क्या हुआ लोग नेशनलिज्म नेशनलिज्म कह के उनकी फीलिंग थोड़ी चेंज हो गई और लोग की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इंपीरियलिज्म क्या होता है इंपीरियलिज्म थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है मतलब अलग अलग कंट्रीज के ऊपर कब्जा करना ठीक है और यह कहना कि हम नेशनलिज्म के लिए कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के ऊपर कब्जा करना ठीक है तो इसे हम थोड़ा इंपीरियलिज्म कहते हैं तो इस दौरान तो अलग अलग कंट्रीज इधर उधर वॉर करके अपने कंट्री के साइज को बढ़ाने की कोशिश करती थी इसी में एक इंसिडेंट है द बाल्कन इंसिडेंट कहते हैं इसे उसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं ठीक है बाल्कन का क्या मतलब है ये एक एरिया एक जगह का पूरा नाम था एंड बाल्कन एरिया में क्या क्या था अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज थी आज के टाइम पे जो ये कंट्रीज है ना रोमेनिया बल्गेरिया एल्बेनिया ग्रीस मैसेडोनिया ये सारी कंट्री साथ में ऐसे थी और इस पूरे एरियन को बाल्कन्स कहते थे ठीक है अब ये पूरा एरिया ना ओटोमैन एम्पायर के कंट्रोल में था मतलब टर्की के कंट्रोल में था ठीक है अब ओटोमैन एम्पायर की पावर थोड़े टाइम के बाद कम होने लगती है जब ओटोमैन एम्पायर की पावर कम होने लगती है तो क्या होता है ये जो सारे कंट्रीज हैं ये धीरे धीरे आज़ाद होने लग जाते हैं ठीक है ये मतलब क्रांति करते हैं लड़ते हैं ओटोमैन एम्पायर से और ये सारी बल्गेरिया मैसेडोनिया ये सब खुद अपनी अपनी कंट्री बना लेते हैं। अब ये कंट्रीज नई नई बनी थी ठीक है तो ये कंट्रीज आपस में बहुत ज़्यादा लड़ती थी ये कोशिश करते थे कि हम एक दूसरे के ऊपर अटैक करके अपने कंट्री को और बड़ा कर लें तो ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते थे दे वर फ्यर्सली जेलस ऑफ ईच अदर कि इस कंट्री के पास ज़्यादा ज़मीन क्यों है हम सबको साथ में आज़ादी मिली है है ना तो ये साथ आपस में लड़ते रहते थे ठीक है प्रॉब्लम पता असली प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है जब यूरोप की बाकी कंट्रीज इस एरिया में आना स्टार्ट कर देती हैं तो हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं रशिया जर्मनी इंग्लैंड ये सब बाल्कन एरिया में पहुंच जाते हैं क्यों इनको लगता है कि अभी तो यहाँ नई नई कंट्री बनी है अब नई कंट्री ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हम इनके ऊपर अटैक करेंगे तो हम इनके राज्य के ऊपर कब्जा कर सकते हैं तो ये सारी कंट्रीज लालच के मारे आ जाती हैं बालकन एरिया में तो अब बाल्कन एरिया में क्या चल रहा था सारी नई नई कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज भी वहां पहुंच गई उन कंट्रीज के ऊपर कब्जा करने के लिए सब आपस में लड़ रहे हैं ठीक है धीरे धीरे इतना पॉलिटिक्स इतना लड़ाई झगड़ा वहां पे होने लग गया कि बाल्कन सिचुएशन के वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है ठीक है तो इंपीरियलिज्म अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होता ठीक है चलो नेक्स्ट ये ना ब्रिटेन के बारे में आपको थोड़ा बताया जा रहा है एक टाइम ऐसा था जब ब्रिटेन ने सभी के ऊपर कब्जा कर रखा था है ना तो ब्रिटेन की अलीगरी को ना ब्रिटेनिया कहा जाता है एंड यहाँ पे ना एक इमेज है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मतलब एक पूरा अर्थ है हमारा और उसके ऊपर ब्रिटेनिया बैठी है तो इस इमेज से ब्रिटिशर्स ये सिंबलाइज कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लिया है

सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या डेट थी ठीक है यह आप बच्चों का होमवर्क है ठीक है वैसे भी मुझे मतलब हाँ कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पर भी होमवर्क वगैरह भेज रहे थे तो आप लोग जहां मर्जी अपना होमवर्क भेज सकते हो पर हाँ होमवर्क कर लेना ठीक है चलो एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन सेंस दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन इस दौरान क्या होता है अलग अलग कंट्रीज के लोग जैसे इंडिया में भी धीरे धीरे हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इंडिया में भी नेशनलिज्म की फीलिंग आने लग जाती है ठीक है बट द आइडियाज दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इन टू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल पर ये जो आइडिया था ना कि राज्य के अलावा हमें नेशन बनाना चाहिए कंट्री बनानी चाहिए ये आइडिया धीरे धीरे फैलने लगा और लोगों को लगने लगा कि हाँ नेशन बनाना बहुत ही नेचुरल है एंड इट इज़ यूनिवर्सल और इसी के साथ चैप्टर खत्म ठीक है आप खुश हो गए हो गया आप लोग ठीक है आ, बहुत टाइम से आप लोग कह रहे थे कि हिस्ट्री करना है हिस्ट्री करना है तो फाइनली हम लोगों ने हिस्ट्री का पहला चैप्टर कवर कर लिया है आज हम लोग इतना ही करेंगे आ, कि कोई भी और चीज़ हो तो कॉमेंट सेक्शन में रीच आउट मुझे बताओ नेक्स्ट लेक्चर आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए यू कैन ऑल्सो रीच आउट ऑन इंस्टाग्राम वहाँ पर भी आप लोग बातचीत कर सकते हो बता सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या चाहिए ओके okay? चलो बच्चों सो दैट्स इट फॉर टुडे आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू